हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट टू ऑन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। पार्ट वन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका है। तो आज क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। जो आज क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट इंजीनियरिंग या JEE और ES में भी आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36। परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट। तो इसका आंसर हुआ 75। प्लेन सेडिमेंटेशन जो में बैक्टीरिया रिमूवल जो होता है 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन। सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक का किस पे डिपेंड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टैंक। मतलब सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक में डिपेंड करता है सरफेस एरिया टैंक पर। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने एरिया में सेटलिंग वेलोसिटी होगा, मतलब वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। गाइस, हम लोग ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ABC इतना नहीं पे डायरेक्ट आंसर बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेटलिंग वेलोसिटी जो पार्टिकल का सेडिमेंट टैंक का कब बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एवर। पार्टिकल साइज ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टिकल साइज इज डिक्रीज, बी में द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज। तो मैंने सरफेस एरिया का टैंक बताया था सेटलमेंट बढ़ जाएगा, नहीं ये गलत है। द डेप्थ ऑफ टैंक डिक्रीज, डेप्थ घटाएंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगा, नहीं नहीं डेप्थ जितना ज़्यादा होगा सेटलिंग वेलोसिटी इतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको कि तीन ऑप्शन या एक नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, बी डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, सी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, डी डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब डिस्चार्ज दिया हुआ है तो इसकी एफिशिएंसी जो था सेडिमेंटेशन टैंक का कैसे इंक्रीज्ड करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, मतलब सरफेस एरिया अगर टैंक का बढ़ाएंगे तो इसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब एफिशिएंसी सेडिमेंटेशन टैंक का कैसे इंक्रीज होगा? तो इंक्रीज कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रेस्पेक्टिवली फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन आर जनरली। तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या, डिटेंशन पीरियड और ओवरफ्लो रेट जो होता है प्लेन सेडिमेंटेशन का एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन क्या होगा? प्लेन सेडिमेंटेशन का पूरा कंपेयर करना किसे, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से। तो प्लेन सेडिमेंटेशन का जो होता है डिटेंशन पीरियड कम होगा एज़ कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से,
और ओवरफ्लो रेट जो होता है इसका ज़्यादा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, तो इसका डिटेंशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा और ओवरफ्लो रेट कम होगा। डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट रेस्पेक्टिवली फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन आर जनरली मोर एंड लेस। क्वेश्चन नंबर 41, द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ, मतलब कि जो कोगुलेंट का मात्रा जो है नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीज विथ, कैसे इंक्रीज होगा वाटर? इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, दूसरा डिक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, वो था डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर क्या कौन सा हुआ? ये मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन ऑप्शन टाइप है, आंसर टाइप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है। तो क्या है? इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, मतलब टर्बिडिटी वाटर का बढ़ेगा तो अमाउंट जो होता है कोगुलेंट का बढ़ जाए, ज़्यादा लगेगा, और डिक्रीज इन टेम्परेचर वाटर, अगर टेम्परेचर वाटर घटेगा तब भी जो कोगुलेंट अगर जो यूज करेंगे वाटर में वो भी ज़्यादा होगा, मतलब टर्बिडिटी अगर बढ़ेगा तो कोगुलेंट का मात्रा जो यूज करेंगे वाटर में ज़्यादा यूज करेंगे, और टेम्परेचर घटेगा तो कोगुलेंट जो का अमाउंट जो है ज़्यादा यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, एलम हैज ए कोगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज ऑफ वाटर, कोगुलेंट कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसका पीएच रेंज कितना हुआ था? तो पीएच रेंज इसका होता है 6 to 8। फ्रेंड्स देखें, ये डाटा टाइप क्वेश्चन है जो आपको मतलब रटना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन। ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम में खास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख सकते हैं, बीपीएससी AA के एग्जाम जिन लोगों ने स्टूडेंट ने दिया है इसमें भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, डाटा टाइप कि डिटेंशन पीरियड क्या कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, सब पूछा गया था, इसलिए इन लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। द डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन टैंक इज यूजली केप्ट हैज, ये फिर से डिटेंशन पीरियड पूछ रहा है, कोगुलेशन टैंक का यूजली कितना होता है कोगुलेशन टैंक का, इसका आंसर हुआ 2 to 6 आवर्स। डिटेंशन पीरियड होता है कोगुलेशन टैंक का 2 से 6 घंटा होता है, तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी 44, द एलम व्हेन एडेड हैज ए कोगुलेंट इन वाटर, जब एलम को ऐड करते हैं हैज ए कोगुलेंट इन वाटर में तो क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनिटी इन वाटर फॉर फ्लोकुलेशन, बी डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, सी इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, डी डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो करेक्ट आंसर है डी, डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो एलम अगर यूज करेंगे एज ए कोगुलेंट वाटर में तो पीएच वैल्यू जो होता है वाटर घट जाता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलम ऐड करने पर वाटर का पीएच जो होता है घट डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज, कौन सा केमिकल जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज? तो करेक्ट आंसर है लाइम। तो लाइम जो है आजकल लाइम जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है आजकल सीवेज सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज के लिए। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46, इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स आर अडॉप्टेड टू रिमूव,
रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स क्यों अडॉप्ट करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में? ऑप्शन ए है डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बी डिजॉल्व सॉल्यूशन, डिजॉल्व गैसेस, फ्लोटिंग सॉल्यूशन, डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, डी है बैक्टीरिया एंड क्लोराइड सॉल्यूट्स। तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का काम क्या होता है? डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजॉल्व तो नहीं होता है, डिजॉल्व सॉल्यूशन, डिजॉल्व गैसेस ये भी नहीं होता है। ऑप्शन सी है फ्लोटिंग सॉल्यूट्स एंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर डी बैक्टीरिया एंड कोलोइडल सॉल्यूट्स। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर जो है रिमूव करता है बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है, कोलोइडल सॉल्यूट को भी रिमूव करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन फ्लोसेंट फिल्टर इन मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टेयर इज अबाउट। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फ्लोसेंट फिल्टर का कितना होता है? इन पूछ रहा है इन मिलियन लीटर्स पर डे पर हेक्टेयर, तो ये होता है 50 से 60 मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर। फ्लोसेंट फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 50 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज इन फ्लोसेंट फिल्टर, फ्लोसेंट फिल्टर का जो इफेक्टिव साइज कितना होता है? तो ये होता है 0.25 से 0.35 mm। तो ऑप्शन ए। और यही अगर रैपिड, ये तो स्लो सेंड फिल्टर का है, अगर रैपिड सेंड फिल्टर का पूछा है तो क्या हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.35 to 0.60 mm। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्लो सेंड फिल्टर का इफेक्टिव साइज, तो वो होता है 0.25 से 0.35। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 49, एज कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर्स स्लो सेंड फिल्टर्स गिव स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, हायर फिल्ट्रेशन, लेसर एफिशिएंसी रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, हायर एफिशिएंसी रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। तो एज कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर बोल रहा है, स्लो सेंड फिल्टर क्या होता है? तो स्लो सेंड फिल्टर जो होता है इसका फिल्ट्रेशन रेट स्लो होता है एज कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर, इसका एफिशिएंसी जो होता है बैक्टीरिया रिमूवल का हाई होता है स्लो सेंड फिल्टर का एज कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। याद रखिए स्लो सेंड फिल्टर जो होता है इसका फिल्ट्रेशन रेट स्लो होता है लेकिन बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी जो होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर। नेक्स्ट 50, ये असंजन टाइप क्वेश्चन है, स्लो सेंड फिल्टर आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सेंड फिल्टर्स। करेक्ट है ये, अभी मैंने आपको बताया था रीजन आर द सेंड यूज इन स्लो सेंड फिल्टर्स इज फाइनर देन दैट इन रैपिड सेंड फिल्टर। सही है, स्लो सेंड फिल्टर में जो सेंड का साइज जो होता है वो बहुत फाइन होता है एज़ कम्पेयर टू रैपिड सेंड फिल्टर, इसी कारण तो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी जो होता है स्लो सेंड फिल्टर का ज़्यादा होता है। तो बहुत असम्पशन रीजन आर करेक्ट एंड एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो करेक्ट आंसर कौन सा ए हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, एयर बाइंडिंग फिनोमेना इन रैपिड सेंड फिल्टर ऑकर्स ड्यू टू। एयर बाइंडिंग फिनोमेना किसके कारण होता है? तो एयर बाइंडिंग फिनोमेना होता है रैपिड सेंड फिल्टर में एक्सेसिव नेगेटिव हीट के कारण। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज यूज फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड सेंड फिल्टर्स। देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लो सेंड फिल्टर ये रैपिड सेंड फिल्टर पर क्वेश्चन है अभी लगातार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैक वॉशिंग में जो है वाटर जो यूज करते हैं एपिसेंट फिल्टर में जो होता है 2 से 4% होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सेंड फिल्टर इज अबाउट। स्लो सेंड फिल्टर का क्लीनिंग पीरियड कितना होता है? तो ये होता है
2 से 3 month होता है। नेक्स्ट 54, द रेट ऑफ अल्टरेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज, रेट ऑफ अल्टरेशन जो होता है प्रेशर फिल्टर का क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, ग्रेटर देन रेट ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर। रेट ऑफ अल्टरेशन जो होता है प्रेशर फिल्टर का रैपिड सेंट फिल्टर से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 55, डबल फिल्ट्रेशन यूज, डबल फिल्ट्रेशन किसमें यूज करते हैं? डबल फिल्ट्रेशन का यूज तब करते हैं जैसे स्लो सेंट फिल्टर में इसका फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, इसके लिए हम डबल फिल्ट्रेशन यूज करते हैं टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लेस फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सेंट फिल्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लो सेंट फिल्टर कैपेसिटी। क्लीनिंग इज डन बाय अब ऑप्शन वन है स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन फिल्टर स्लो सैंड। तो स्लो सैंड में जो क्लीनिंग करते हैं स्क्रैपिंग एंड रिमूवल करते हैं, ये करेक्ट है। बैक वॉशिंग स्लो सैंड फिल्टर, ये गलत है। थर्ड स्क्रैपिंग रिमूवल रैपिड सैंड, ये गलत है। स्क्रैपिंग रिमूवल तो होता है स्लो सैंड फिल्टर में होता है, और बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौन कौन है? 1 और 4, तो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 किसमें है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, डिसइनफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन, डिसइनफेक्शन के कारण क्या होता है? किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, डिसइनफेक्शन में जो है बैक्टीरिया जो है किल किया जाता है। तो डिसइनफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया। नेक्स्ट 58, द डिसइनफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस बाय, डिसइनफेक्शन एफिशिएंसी क्लोरीन का कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, गलत। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये भी गलत है। नेक्स्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, सही। करेक्ट आंसर है डी। तो अगर क्लोरीन डिसइनफेक्शन, अगर क्लोरीन का डिसइनफेक्शन एफिशिएंसी अगर क्लोरीन का बढ़ाना है तो इसके लिए जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है क्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ डिक्रीजिंग दिया है, डिक्रीजिंग का टाइम होना, इसलिए गलत हो गया। और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तभी डिसइनफेक्शन एफिशिएंसी जो क्लोरीन का ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 1 और 2 रॉन्ग है, लेकिन 3 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इक्वल टू किसके होता है? रेसिडुअल क्लोरीन। तो क्वेश्चन 59 का आंसर है डी, डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन डिमांड जो होता है और वाटर जो होता है इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन, क्लोरीन डिमांड याद रखिएगा, डिफरेंस होता है अप्लाइड एंड रेसिडुअल क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 60, द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट के बाद अगर क्लोरीनेशन यूज करेंगे तो इसको कहते हैं सुपर क्लोरीनेशन। अगर ब्रेक पॉइंट के बाद अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो इसको सुपर क्लोरीनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, क्लोरीन का परसेंटेज कितना होता है फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन का परसेंटेज होता है होता है 30 से 35% होता है। फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का परसेंटेज कितना होता है? 30 से 35%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 62, द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, ब्लीचिंग पाउडर जो ट्रीटमेंट करते हैं
वाटर का जो ट्रीटमेंट करते हैं ब्लीच पाउडर से, इसको क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरिनेशन। याद रखिएगा, अगर वाटर का ट्रीटमेंट अगर ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, इसको हाइपोक्लोरिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द सुटेबल मेथड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल वाटर इज। तो सुटेबल मेथड क्या होता है डिसइंफेक्शन के लिए स्विमिंग पूल, अगर ये तो स्विमिंग पूल का डिसइंफेक्शन कहेंगे, जिस उसके लिए सुटेबल मेथड जो होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए जनरली जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, ये क्लोरीन यूज ही करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर, डिक्लोरिनेशन के लिए बोलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है जिसे हम लोग डिक्लोरिनेशन कहते हैं वाटर का। मतलब डिक्लोरिनेशन मीन्स क्या हुआ, अगर हम वाटर में जैसे क्लोरीन ऐड करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, बैक्टीरिया जो किल हो जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर क्लोरीन मिल जाए तो इसको, इस अगर क्लोरीन के अमाउंट अगर डिक्रीज करते हैं, इसको डिक्लोरिनेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग है वाटर में जो है सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल यूज कर ऐड करते हैं टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन। ओके, करेक्ट आंसर हो जाए सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 65 नंबर, इन क्लोरिनेशन विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया। क्लोरिनेशन अगर टेम्परेचर अगर राइज होगा तो बैक्टीरिया का डेथ रेट क्या होता है, तो इंक्रीज होता है। जैसे पहले ही बताते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लोरिनेशन बैक्टीरिया भी बनेगा। तो करेक्ट आंसर ये है। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्लोरिनेशन इफेक्टिव ज़्यादा कब होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और जो कॉन्टैक्ट अमाउंट, ये कॉन्टैक्ट जो होता है ना, कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी जो है बढ़ जाता है क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 66, एज कम्पेयर टू हायर पीएच वैल्यू द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट क्लोरीनेशन एट लो पीएच वैल्यूज इज, एज क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्मॉलर। एज कम्पेयर टू हाईएस्ट पीएच वैल्यू द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर फॉर एफिशिएंट क्लोरीनेशन एट लोअर पीएच वैल्यू इज स्मॉलर। पीएच वैल्यू कम है तो कॉन्टैक्ट पीरियड भी कम ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, डिसइनफेक्शन एफिशिएंसी इज, डिसइनफेक्शन एफिशिएंसी क्या है, तो ऑप्शन है रिड्यूस एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पता है घट जाता है हायर पीएच वैल्यू वाटर पर, तो ये गलत है। अनअफेक्टेड बाय पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो ये भी गलत है, ये अफेक्ट तो होता है। इनक्रीज एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी जो है तो हो रहा है इंक्रीज होता है हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी। वन सेकेंड गाइस, शायद ऑप्शन गलत हुआ है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया,
यहाँ क्वेश्चन कुछ और था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 65। इन कोलिनेशन विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर अगर वाटर बढ़ेगा तो डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया रिमूवल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इफिशेंसी हुआ है ना, सॉरी सही है, इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने का डेथ डेथ ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो डिस इन्फेक्शन एफिशेंसी में बढ़ेगा, वही है। तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 65 का है आंसर, ए इज करेक्ट है एकदम। क्वेश्चन नंबर 66। एज कम्पेयर टू हायर पिच वैल्यू, द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट कोलोनेशन एट लोअर पिच वैल्यू इज स्मॉलर। डिस इन्फेक्शन एफिशियंसी इज क्या था, क्वेश्चन 67 का ए, रिड्यूस्ड एट हायर पिच वैल्यू ऑफ वाटर। पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो डिस इन्फेक्शन एफिशियंसी घट जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 68। इन लाइम सोडा प्रोसेस, लाइम रिड्यूसेस द कार्बोनेट हार्डनेस एंड सोडा आल्सो रिमूव्स द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है सी। ठीक है, इन लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, लाइम रिड्यूस करता है कार्बोनेट हार्डनेस को एंड सोडा आल्सो रिमूव्स द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्वेश्चन 69। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्ट कैंडिडेट, मतलब मेजर डिसएडवांटेज क्या है लाइम सोडा प्रोसेस का, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म विच क्रिएट्स अ डिस्पोजल प्रॉब्लम, कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि डिस्पोजल करने में बहुत ही दिक्कत आती है, तो वही मेन डिसएडवांटेज है इसका। करेक्ट आंसर है बी, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच क्रिएट्स अ डिस्पोजल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 69 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड फॉर एल्गी कंट्रोल, एल्गी कंट्रोल के लिए कौन सा कंपाउंड जनरली यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का बी, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं एल्गी कंट्रोल के लिए। क्वेश्चन नंबर 71। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर, एक्टिवेटर कार्बन को यूज करते हैं रिमूविंग ऑर्डर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैज क्वेश्चन नंबर 72। हैज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप सर, कास्ट आयरन पाइप से कंपेयर में स्टील पाइप क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, सॉरी स्ट्रोंगर होता है, इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टील पाइप जो होता है कास्ट आयरन के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कास्ट आयरन तो एकदम ब्रिटल होता है, स्टील पाइप वैसा नहीं होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रांगर, स्टील पाइप जो होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्वेश्चन नंबर 73। द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेआउट सुटेबल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, फॉर इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन, इरेगुलर जो ग्रोइंग टाउन है इसके लिए, तो होता है ये डेड इन सिस्टम। याद रखिएगा कि सुटेबल लेआउट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिस्टम का फॉर इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन के लिए, टाउन के लिए तो होता है डेड इन सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74। द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी इज, द लेआउट जो था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इन विच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी इज, तो करेक्ट आंसर है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में होता है क्या है कि मतलब जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टुवर्ड्स आउटर डायरेक्शन में होता है, इनर से आउटर, सेंटर से टुवर्ड्स द आउटर, आउटवर्ड, इनवर्ड से आउटवर्ड की ओर होता है, वैसे वो लिखा हुआ है लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बीच वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी इज रेडियल सिस्टम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन
Question number 75. The suitable layout of distribution system for a city with roads of rectangular pattern. The rectangular pattern के लिए suitable layout क्या होता है? Rectangular pattern के लिए होता है grid iron system. So, option A is correct. याद रखिए, देखिए ये आउटर डिस्ट्रीब्यूशन आउटर पेरिफेरी में हुआ तो रेडियल सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. अगर रेक्टेंगुलर पैटर्न है तो ग्रिड आयरन सिस्टम. अगर इरेगुलर ग्रोइंग होगा तो ये होता है डेड एंड सिस्टम. अगर याद रखिए तीनों. क्वेश्चन नंबर 76. बस फ्रेंड्स आज के इतना ही. गुड नाइट.